हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया चारू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिवेणी अलमीरा के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप सामने एक अलमीरा देख रहे होंगे, ये है त्रिवेणी कंपनी की। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये अलमीरा अंदर से पार्टीशन वाली है और एक आती है बिना पार्टीशन की। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में पार्टीशन हो रखा है और हैंगर भी लगे हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसका लॉक आप देख सकते हैं। इस प्रकार की अलमीरा में आपको ऐसा लॉक नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से लगवाया है। अभी आपको कैसा मिलने वाला है यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये वाला लगवाया है। हल्का सा प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से डोर ओपन हो जाता है। तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगा बजाय कि वो उंगली फंसा कर खोलने वाला। ठीक है, तो आपको जैसा सही लगे आप लगवा सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे पार्टीशन है। नीचे दो पार्टीशन दे रखे हैं, फिर ऊपर दो बॉक्स वाले पार्टीशन है और अलग अलग लॉन्ग पार्टीशन भी दे रखा है। ऊपर हैंगर भी काफ़ी दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से भी हैंगर लगा सकते हैं। इसके साथ ही डोर में एक ये स्टिकर लगा हुआ है। इसमें सारे स्पेसिफिकेशन जो भी त्रिवेणी ने दे रखे हैं वो सारे लिखे हैं। जैसे कि हाइट इसकी आप देख सकते हैं 2010 mm है और 915 mm इसकी चौड़ाई है। और इसकी डेप्थ की बात करें तो 530 mm है। इसके बाद बात करूं अगर मैं इसके कलर की, तो देख सकते हैं डार्क ब्राउन कलर की है और ये चॉकलेटी कलर भी आप इसे कह सकते हैं। और दूर से कुछ इस प्रकार से अलमीरा दिखेगी। जो लॉक बाहर लगा है, अंदर से वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। देख सकते हैं बाहर से लॉक इस प्रकार से है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद इसका पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार से है अगर आप ये लॉक लगवाते हैं। अब बात करूँ मैं लॉकर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉकर दिया हुआ है। इसके अंदर लॉकर के भी अंदर एक जो छोटा सा लॉकर होता है वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बड़ा वाला है। बस एक यही है स्पेस जो भी है आपको दिख रहा है। इसके अंदर छोटा वाला लॉकर नहीं दिया हुआ है जो पहले हुआ करता था। फिलहाल ये काफ़ी अच्छा है और मजबूत भी है। और लॉक की सारी चाबियों के लिए एक छोटा सा बैग भी आपको दिया जाएगा। अब बात करूं अगर इसके प्राइस की, तो मुझे ये पड़ी है 15,500 की। अगर आपने भी ली है तो इसका प्राइस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।